सूक्ति ग्रंथ के अध्याय एक उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते हैं, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। देखिए कितनी गंभीर बात है। प्रभु का वचन कहता है यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। ठीक इसी प्रकार सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 21 उसका वाक्य 6 वहां पर लिखा हुआ है, झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। मेरे प्रिय मित्रों, बार बार मैं आपसे भी कहा करता हूं कि धन होना काफी नहीं है, धन पर ईश्वर की आशीष होना आवश्यक है। पाप से कमाया हुआ धन आपके घर तक पहुंच जाता है तो उसके साथ साथ अभिशाप भी आपके घर तक पहुंच जाता है। जब धन पर आशीष मिलती है वो धन आपके काम का हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले एक जवान लड़का आया था, वो कह रहा था कि मुझे काम करने से अभी करीब 8000 रुपये मिल जाता है महीना भर में, लेकिन मैं सरकारी नौकरी चाहता हूँ। मैंने कहा फिलहाल बेटे तुम प्रार्थना करना प्रभु से कि प्रभु इस कमाई पर आशीष दे ताकि ये कमाई मेरे परिवार के लिए काम में आए। जब हम घूस और अन्य प्रकार के अन्यायपूर्ण ढंग से पापमय ढंग से अपने घर तक पैसा पहुंचाते हैं उस पैसे के साथ साथ अभिशाप भी पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। आज लोग बहुत ज्यादा ही भ्रष्ट हैं, इसके बावजूद मैंने देखा है कई ऐसे लोग जो ईमानदारी की कमाई से संतुष्ट हैं। ऐसे परिवारों में आशीष है, ऐसे परिवारों में आशीष है, रिश्तों में आशीष है, उनके काम काज में आशीष है, उनके घर में आशीष है। आगे हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। क्या कोई कभी सोचता है अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, ना जाने कितने लोग पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं अन्यायपूर्ण ढंग से, पापमय ढंग से। क्या वे जानते हैं कि उनके इस पाप की कमाई से परिवार में संकट आ जाता है?